आपको दांतों की दर्द का मसला है या आप दांतों की किसी बीमारी में शिकार हैं तो इस वीडियो को लाजमी देखें। उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत मालूमात मिलेंगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अरसलान हैदर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिकमत और अमलियात। दांतों के अमराज जानने से पहले दांत की साख्त के बारे में बात करते हैं। अगर दांत की तरकीब की बात करें तो ये चार किस्म के टिश्यूज से मिलकर बनता है। नंबर एक मेटा या इनेमल, ये दांत के ताज का बैरूनी सख्त तबका है जो जिस्म के सख्त तरीन टिश्यूज हैं। इसकी सख्ती और चमक दमक की वजह से इसको जिस्म का हीरा कह सकते हैं जिसने ताज को जीनत बख्शी है। नंबर दो डेंटाइन, ये हाथी दांत जैसा मादा है, इससे दांत के जिस्म का बड़ा हिस्सा बनता है। नंबर तीन सीमेंटम, हड्डी की तरह साख्त है, दांत की जड़ को बाहर से डांकता है और गर्दन पर मीटा से मिल जाता है। नंबर चार पल्प या गोदा, ये नरम वासल बाफत या कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें असाब शरियाने वरीदे और लम्फावी रगे होती हैं। ये डेंटाइन के मरकजी तजवीफ में होता है। अमूमी तौर पर जो हमारे दांत हैं वो इलाहाकी मादा से मिलकर बने होते हैं। आम तौर पर दांतों की वो बीमारियां जिनका लोग शिकार होते हैं या जिनमें मुब्तला होते हैं, दांत का दर्द करना, दांत में कीड़ा लगना, दांत टूटना और इनकी रंगत खराब होना, नींद में दांत पीसना, क्रोएलिसा यानी पायोरिया यानी जिसे मांसखोरा भी कहते हैं, इसके अलावा दांतों का बढ़ना। आमतौर पर लोग दांतों के इन अमराज का शिकार होते हैं। अब हम जानते हैं कि दांत में दर्द होने की वजूहात क्या हैं। दांतों की सफाई ना करना, मीठी अशिया का कसरत इस्तेमाल, बद हजमी, ये वो वजूहात हैं जिनकी वजह से दांत में दर्द होता है। दूसरी वजह दांत में कीड़ा लगना होता है। कीड़ा क्यों लगता है वो भी दांतों की सफाई ना करने की वजह से होता है कि जब कोई भी रतूबत जो है वो दाढ़ में या किसी जगह पड़ी रहे और उसमें तअफ्फुन पैदा हो जाए तो उसमें तअफ्फुन पैदा होने की सूरत में वहाँ कीड़ा पैदा होता है। तो इसका मतलब है अगर दांत को या दाढ़ को कीड़ा लग रहा है तो इसका मतलब है उसके मसूड़े में कोई गलीज़ रतूबात मौजूद हैं जिनका खारिज करना ज़रूरी है लेकिन वो वहीं पड़ी हुई है सफाई ना करने की वजह से, जिस वजह से वो मुतअफ्फन हो गई है, उसमें तअफ्फुन खमीर पैदा हो गया है जिसकी वजह से वहाँ कीड़ा पैदा हुआ है और फिर कीड़ा जो आस्ता आस्ता लगना शुरू हो गया है और उसने दांत को या दांत को कमज़ोर करना शुरू कर दिया है। अब अगर दांतों के अमराज के इलाज की बात की जाए तो सबसे पहले तो उसकी वजह तलाश की जाती है कि किस वजह से इसके अमराज इसमें पैदा हुए हैं, उस हिसाब से फिर उसका इलाज किया जाता है। आम तौर पर दांत के दर्द का एक छोटा सा नुस्खा आपको बता देता हूं मैं। लौंग 30 ग्राम, मीठा सोडा 30 ग्राम, नमक ए तमाम 60 ग्राम और इसको बतौर मंजन अपने दांतों पर इस्तेमाल करें तो इससे इंशाल्लाह आपको दांत के दर्द में काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। मजीद मालूमात के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मजीद मालूमती वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।